सीट पर ही बैठे रहे। सभी यात्रियों के उतरने के बाद आपकी सहायता की जाएगी। स्टार लाइंसर से एयर इंडिया कप्तान दीपक यादव और क्रू एयर इंडिया से यात्रा करने के आपके आभारी हैं। हमें विश्वास है कि हेलो एवरीवन, त्रिशिता गुड लाइफ में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूँ त्रिशिता और अब हम पहुँच चुके हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट में, बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को पार्ट टू में सूरत से भुवनेश्वर एयरपोर्ट का जर्नी पार्ट टू में मैं कंटिन्यू करूँगी। तो ये है भुवनेश्वर एयरपोर्ट। तो हम लोग अभी फ्लाइट से सिर्फ एग्ज़िट हुए हैं, फ्लाइट के अंदर से एग्ज़िट हुए हैं और हम लोग एंट्री चुके हैं अभी एयरपोर्ट के अंदर। तो हम लोग अभी लगेज लेना है, लेने के बाद फिर हम लोगों को एयरपोर्ट से बाहर होना है। तो मैं जाते जाते सोची कि थोड़ा वीडियो बना लो कि आप लोगों से भी शेयर कर दूँगी ये वीडियो। तो आप लोग देखिए, एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एयरपोर्ट ठीक ठाक है। ये मैं पीछे से वीडियो कर रही हूँ मेरे हस्बैंड की। तो जाते जाते जितना तक हो सके मैं वीडियो करने की कोशिश की। तो अभी हम लोगों को बोला जा रहा है कि एयरपोर्ट के जो आदमी दिखाई दे रहा है वो बोल रहे हैं कि कुछ नेगेटिव पॉजिटिव का रिपोर्ट है आप लोगों के पास, कुछ वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हम लोगों को। तो हम लोगों को वैक्सीनेशन भी हम लोगों को अभी तक नहीं हुआ है और कुछ रिपोर्ट भी हम लोगों के पास नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव। तो उन्होंने बोला कि तो फिर आप लोगों को स्वाब टेस्ट देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो हम लोग स्वाब टेस्ट के लिए अभी जा रहे हैं। तो देख रहे हैं, ज़्यादा लाइन तो नहीं है, हो जाएगा जल्दी। मैं ये देखिए, इसे और का स्वाब टेस्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हम लोगों की लगेज लेने के लिए। तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा लेट हो चुका है। तो ये सब लगेज सब लोग तो ले चुके हैं, हम लोग ही बाकी थे। तो हम लोगों का लगेज ही सिर्फ था। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं लगेज लेने के लिए और थोड़ा सा व्यू मैंने कैप्चर कर ली उस टाइम पे, तो थोड़ा सा दिखा रही हूँ। तो हम लोग अभी एयरपोर्ट से निकल के हम लोग का होटल में आ चुके हैं। इस होटल में हम लोग वन नाइट स्टे करेंगे और फिर हम लोग ब्रह्मपुर के लिए हम लोग निकल जाएंगे ट्रेन में। ये देखिए, हम लोग ऑलरेडी ट्रेन में उठ चुके हैं और ब्रह्मपुर के लिए, भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर के लिए हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि हम लोग उधर ही रहना है। तो हम लोग आगे से टिकट करके रखे थे। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा जगह था ब्रह्मपुर जाने की इस टाइम में, तो मैंने ये अंदर से ही खींचा है, थोड़ा क्लिप मैंने लिया है। मुझे बहुत पसंद आया ये सब जगह, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ले लूँ, वीडियो कर लूँ और आप लोगों से शेयर कर दूँ। आप लोग भी देखिए कितना सुंदर है जगह। ये भुवनेश्वर से हम लोगों को 2 घंटा ही लगेगा ब्रह्मपुर जाने के लिए। तो हम लोग उठे थे 12:10 में, ऐसे हम लोगों का ट्रेन था। तो 2:10 में हम लोग पहुंच चुके थे। इधर से जाके हम लोगों को अभी होटल में ही उठना है। ये देखिए, हम लोग होटल में आ चुके हैं। ये हम लोगों का होटल है जहाँ हम लोगों को बहुत दिन तक रहना पड़ेगा शायद, क्योंकि हम लोग अभी इधर न्यू जगह पे आए हैं। तो घर ढूंढना है हम लोगों के लिए, फ्लैट ढूंढना है, फिर हम लोग शिफ्ट हो पाएंगे। तो इधर में हम लोग को रहना पड़ेगा शायद, पता नहीं कितना दिन रहना पड़े। तो मैंने थोड़ा सा होटल का व्यू ऐसे दिखा दी, अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, होटल भी अच्छा था, अच्छा लगा मुझे। ये देखिए, रूम का जो वीडियो मैंने थोड़ा ले लिया। ये हम लोगों का पूरा लगेज है जो हम लोगों के साथ आया था, जितना तक हुआ हम लोग
कपड़ा वगैरह जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये हम लोगों के साथ ही हम लोग लाए हैं। तो थोड़ा सा रूम का व्यू मैंने दिखा दी, रूम अच्छा था, सब कुछ था इसमें, फैसिलिटी तो ठीक ठाक ही है रूम। तो टीवी था, फ्रिज था, ड्रेसिंग टेबल, व्हील चेयर, सब कुछ था, ए सी वगैरह सब कुछ था, फैसिलिटी तो ठीक ठाक है रूम। बाथरूम भी नीट एंड क्लीन है तो रह सकेंगे अच्छे से। तो ये था मेरा वीडियो पूरा दिन, और मैंने जो जो किया मैंने पूरा शेयर किया आप लोगों से। तो मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा के रखिएगा, तो मेरा हर दिन का हर न्यू न्यू वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए और मुझे प्यार देते रहिए। तो आज के लिए इतना तक ही, तो आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा बाय बाय।